ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय महज 25 साल की थी जब ब्रिटेन की गद्दी पर उनकी ताजपोशी हुई थी। तब से लेकर अब तक 70 साल हो गए जब से वे इस गद्दी पर काबिज हैं। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के शासन के 70 साल पूरे हो गए हैं। वो 1952 में ब्रिटेन की महारानी बनी थी। इस खास मौके पर पूरे ब्रिटेन में 4 दिवसीय प्लेटिनम जुबली समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के चौथे और अंतिम दिन एलिजाबेथ की एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम बकिंगम के पैलेस के बाहर उमड़ा। इसके बाद महारानी ने बालकनी से ही अपने प्रशंसकों का अभिवादन स्वीकार किया। दरअसल महारानी एलिजाबेथ द्वितीय इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले रही हैं, वह सार्वजनिक कार्यक्रम में कम ही दिखती हैं। ऐसे में एक झलक पाने के लिए उनके प्रशंसक कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। प्लेटिनम जुबली समारोह के समापन समारोह के दौरान भव्य स्ट्रीट परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान वेस्टमिंस्टर एबे चर्च से बकिंगम पैलेस तक 200 घोड़ों की भव्य परेड का आयोजन किया गया। इस परेड में ब्रिटेन की महारानी के उसी भव्य रथ को शामिल किया गया जिसमें 69 इयर्स पहले महारानी के राज्याभिषेक के समय इस्तेमाल किया गया था। इस दौरान उनके राज्याभिषेक वीडियो को भी प्रसारित किया गया। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय महज 25 साल की थी जब ब्रिटेन की गद्दी पर उनकी ताजपोशी हुई। अब वे 96 साल की हैं और ब्रिटेन की सत्ता संभालने वाली सबसे उम्र दराज महिला हैं। इसके अलावा दुनिया के भी सबसे बुजुर्ग शासकों में महारानी एलिजाबेथ का नाम आता है।